भारतीय किसान संघ की बैठक में किसानों की समस्या पर चर्चा। सायला उपखंड क्षेत्र के जीवाना कस्बे में बायोशा माता मंदिर प्रांगण में रविवार को भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक प्रांत अध्यक्ष दलाराम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रांत अध्यक्ष दलाराम ने किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें टिंडी दल से निपटने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। वहीं विद्युत संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की। जैविक प्रमुख गणेशाराम ने बताया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 5 अगस्त से पूरे राजस्थान में भारतीय किसान संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस दौरान जैविक प्रमुख गणेशाराम, जिला उपाध्यक्ष बागाराम चौधरी, तहसील अध्यक्ष भवरलाल राजपुरी, मंत्री मग सिंह गोकलाराम, जिला प्रचार मंत्री शैतान सिंह शिराणा, ताड़ियाना सरपंच हस्तीमल खेतलावा, सरपंच हजाराम जी तुलसाराम, जालमपुरा दुर्गाराम बेनीवाल, कुमान सिंह राजक्रोई बावत्रा, शहीद किसान मौजूद रहे। आज भारतीय किसान संघ की बैठक रखी है जीवाना तहसील में और जिला जालोर आ बैठक रखी है कि जो शहर में नी लाइट बिल है, लाइट बिल रहे बारह में जो अनुदान तो 833 रुपया, वो 833 रुपया सरकार अनुदान नहीं दे रही है। आज वास्ते बिल भी ज़्यादा हुआ पड़ा नठिन कोरोना महामारी हाल है तो वर्मी भी सरकारे घोषणा की थी कि जटा तक वो हाले जटा तक किसानों ने बिल माफ़ करना, वह बिल भी माफ नहीं हुआ, बिल ज़्यादा आए हैं। और वास्ते आज मीटिंग रखी है बैठक और बैठक रे में सरसा हुई है हमारे 27 तारीख होम वार रहा ज्ञापन दे हूँ, ज्ञापन रे मैं पौष तारीख थी अनिश्चितकालीन धरना हमारे पूरा भारतीय किसान संघ रहे पूरा राजस्थान रे मैं हर तहसील माते धरना रही अनिश्चितकालीन धरना। और सरकार मौन तो अच्छी बात है, नहीं मौन है तो पूरा किसान ये लॉकडाउन भी हाले रही है इन भी हिसाब दी धरनो पूरा राजस्थान में चालू रही है।